इंटरनेशनल योगा डे पर योगा भारत की एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट, एक सौगात है पूरे विश्व के लिए। ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत बेहतरीन है ही, साथ के साथ हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। योगा और मेडिटेशन एक हेल्दी हैबिट की तरह हम सभी को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना चाहिए और इसको एक हेल्दी हैबिट की तरह ही लेकर चलना चाहिए। 15 से 20 मिनट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, बट इसमें कंसिस्टेंट रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। बाद में आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। शुरू में बेहतर रहेगा अगर आप किसी की गाइडेंस में इसको करें, ताकि आप जान सके कि किस तरह की योगा आसन आपके लिए बेहतर है और कैसे योगा आसन आपको कोई किसी तरह की बीमारी है तो उसमें नहीं करने चाहिए। आपको किस तरह का ब्रीदिंग पैटर्न रखना है योगा आसन के दौरान, हर एज ग्रुप के लिए ये उपयोगी है। चाहे आप यूथ हैं, आप टीनेजर्स हैं, आप एल्डरली हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप जिम करते हैं, आप रनिंग करते हैं, उसके साथ भी योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। और अगर आप पेरेंट हैं तो अगर आप करेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी करेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। और अगर बच्चों की आदत शुरू से ही योगा और मेडिटेशन की पड़ जाती है तो उनके लिए ये एक बहुत ही हेल्दी हैबिट बन जाती है। जैसा भारत में हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज का ग्राफ काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें कि डायबिटीज हो गया, आपका हार्ट डिजीज हो गया, तो उन सभी के लिए मेडिटेशन का, योगा का बहुत ही ज्यादा उपयोग है, क्योंकि ये इनको कम करने में या इनको रिवर्स करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा हमारी ज्वाइंट हेल्थ के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आपके ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन रखता है। इसके अलावा आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, साथ के साथ आपके हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जैसा भारत के अंदर हम देख रहे हैं, कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जो योगा और मेडिटेशन है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही रिलीव दिलाता है आपको, आपको काम एंड कंपोज रखता है, आपको कैसे पेशेंस रखना है वो आपको सिखाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी नींद को ये बहुत ही बेहतर करता है, जैसे कि लोग ज्यादातर आजकल स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो ये आपकी डीप स्लीप में आपको बहुत मदद करता है। इसके अलावा आपकी मूड को ये स्टेबल रखता है। कई बार हमारा मूड कभी अप है, कभी डाउन है, तो ये इसको बैलेंस करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल जैसे कि गट हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये उसको भी फिक्स करता है। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल वेलबींग और होलिस्टिक हेल्थ के लिए योगा और मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए।